वी आर हेयर नेहरू प्लेस। स्टीम करनी है आपको? तो गाइस बहुत महंगा बढ़ गया यार, आज तो पूरे जेब खाली हो गई। Hey guys, welcome back to our new vlog. So guys, अभी टाइम हो रहा है भाई 4:05 हो रहे हैं। ये व्लॉग थोड़ा लेट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रात ना एडिटिंग करी थी व्लॉग की। हालांकि व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था, अभी सुबेरे भी व्लॉग एडिट कर रहा था तभी जाके कंप्लीट हुआ है। अपलोड मैं उसे कल सुबह करूंगा। आज 20 तारीख है यानी कि 21 तारीख को मैं एक व्लॉग डालूंगा और फिर लगातार ही व्लॉग डालेंगे अभी। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं नेहरू प्लेस, मैं, दिशु और दिलीप भाई हैं, लेब्रोन। हम लोग जा रहे हैं नेहरू प्लेस। अपने को ना एक पीसी की जरूरत है, अभी पीसी लेने जाना है नेहरू प्लेस, तो चलेंगे हम लोग। बट अभी उससे पहले गाइज कुछ ना गिफ्ट आए थे, क्योंकि कल आए थे यहाँ पे डाकू गेमिंग, उन्होंने हमारे लिए एक गिफ्ट लेके आए थे। और आज भी एक भाई आए थे मिलने राजनगर से, वो भी हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे, तो फटाफट उनकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे। और अमेजोन से मैंने कुछ मंगाया था, अब ये शायद एलगाटो मंगाया था मैंने, तो वो उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। एलगाटो बहुत जरूरी होता है स्ट्रीम के लिए, क्योंकि जो अभी वाला एलगाटो है ना वो बिल्कुल खराब हो चुका है, उसमें कर कर की आवाज आने लगती है। ठीक है, तो फटाफट मैं चलो गिफ्ट खोल लेता हूँ। और आराध्य को मैं बार बार बोल रहा हूँ इधर आ जा, वो आ ही नहीं रही है, पीसी पे देखो बैठी हुई है। आरू क्या कर रहे हो? देखो उसे बुहार मुंह में भी रख रही है और यहाँ पे स्ट्रीम करनी है आपको? कैसे करोगे स्ट्रीम बताओ, यहाँ बैठ के? अब क्या करना है? अच्छा आप गेम खेलना है, किसमें गेम खेलोगे? इसमें मोबाइल में? मोबाइल का है? एक तो ये सब चीज़ ना इशारे में करती है, बोलती नहीं है पता नहीं क्यों। तो गाइस देखो ये रहे गिफ्ट अपने, ये है, आज इसे खोलता हूँ। तो मैं संध्या को बुला लेता हूँ, संध्या बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि वो खोलेगी। आरू जाओ मम्मा को बुला के लाओ जल्दी, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करनी है, आरू मम्मा को बुला के लाओ। एंड गाइस अभी अभी ना मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाली है, तो यार आप लोग फेसबुक पे फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लोग डेली वहाँ पे वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग डालते हैं फेसबुक पे, तो वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। हाँ काय मम्मी, चलो गाइस सबसे पहले से खोलते हैं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसमें ना फ्रेम है किसी तरह का, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है फ्रेम है। और ये गाइस ये दिया था हमें डाकू गेमिंग वाइटी ने, ये आए थे मिलने गुड़गांव से। चलो खोलते हैं इसे, देखते हैं क्या है इसमें। एंड थैंक यू सो मच डाकू भाई, तुम्हारा नाम भी बड़ा खतरनाक है और मुझे लग रहा है तुम्हारा गिफ्ट भी बहुत खतरनाक होने वाला है। हमारी कैब आ गया, तो हमें कैब में जाना है फटाफट से, क्योंकि भाई कैब वाला ज्यादा देर खड़ा नहीं होगा। चल रहे सीधा अब आपको मिलेंगे हम लोग नेहरू प्लेस। आज पापा गाड़ी लेके गए थे इसलिए गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ, तो हमें कैब से जाना पड़ेगा। अपना अपना मास्क रख लेना वरना कैब वाला एंट्री नहीं देगा। ठीक है, सो गाइज निकल गए हम लोग कैब से और भाई बहुत लेट जा रहे हैं, 4:55 हो गए, यानी कि 5 बज चुके हैं अभी, निकलने में 5 बज गए, तो यहाँ पे पहुँचेंगे हम 6 बजे तक। भाई मेरे को लग रहा है रात हो जाएगी, सिस्टम ठीक से बनेगा नहीं, हो सकता है लेट हो जाए आज। भाई स्ट्रीम भी करनी है वापस आके, और मेरा जो पीसी है ये भी ठीक कराना है, क्योंकि पीसी देखो मैंने रख लिया है, अपना वाला पीसी भी रख लिया है। ठीक है, और मैं अभी ना गोप्रो सेटअप कर रहा हूँ, फिर गोप्रो में सेटअप करके चला के देखता हूँ कैसे चलते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया पीसी बनते हैं यहाँ पे, है दिशु, मतलब असेंबल करा सकते हैं हम लोग। नेहरू प्लेस की ये मेन मार्केट है और इधर से जाके लेफ्ट में मेन मार्केट है, तो हम गोप्रो के भी गैजेट ले लेंगे। गोप्रो में हम लोग क्या ट्राईपॉड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और अपने वाले पीसी को भी सही करा देंगे जो कि हमारे लेब्रोन भाई ने पकड़ा हुआ है मेरे लिए, और एक नया पीसी भी रेडी कराना है। अभी टाइम हो गया गाइस 5:51, SMC इंटरनेशनल पे बनवाना है अब हमें पीसी अपना, तो चलते पहले वहाँ पे थोड़ा बात करते हैं उनसे और देखते हैं कितने तक का रेडी हो जाएगा पीसी। तो गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ पे स्टार कंप्यूटर एंड लैपटॉप पे, ये नेहरू प्लेस में शॉप है, क्योंकि भाई हमने पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए ना, वो पीसी बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं, लाइक कम से कम 1.5 लाख का पीसी पड़ रहा है पूरा कंप्लीट, तो इतना बजट नहीं था। अपना बजट जो था 1 लाख रुपये समथिंग का था, और ये भाई ग्राफिक कार्ड की वजह से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है।
सो गाइस अभी ना मैं बस अपना पीसी रेडी करा रहा हूँ, मतलब पीसी में मेरी एसएसडी खराब हो गई थी तो एसएसडी रिमूव करा रहा हूँ और नई एसएसडी डलवा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम लोग ले नहीं सकते, बजट से बाहर जा रहा है, तो फिर थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा नए पीसी के लिए, या फिर मैं कहीं और पता करूँगा कुछ और कम में हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने एसएमसी इंटरनेशनल भी देख लिया, वहाँ पे भी बहुत महंगा बता रहे हैं और यहाँ पे भी थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, बट चलो देखते हैं अभी कितना और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे चल रहे हैं, अभी ग्राफिक कार्ड अवेलेबल नहीं है ना, तो उसके चक्कर में और पता नहीं कहाँ चले गए यार बीशू और ये। अरे कहाँ चले गए तुम दोनों भाई? ये क्या लेके आए? टेम्पर्ड। और उसका उसके गोबरों के वो लेके आए बगल, अभी बगल में ही शॉप है एक, हाँ उसमें चलते हैं, ठीक है। ये टेम्पर्ड किसके लिए लाए हो? ROG 5 के लिए। ये तो टेम्पर्ड लगा दिया? नहीं भैया फोन घर पे है। अच्छा फोन घर पे टेम्पर्ड ले लिया, चलो ठीक है घर पे लगा लेंगे, ठीक है। वो तो वहाँ पे वो लैपटॉप की है ना? जी भैया। ROG 5 भी है उसके पास? हाँ। ROG 3? हमने पूछा नहीं, बट 5 तो है। चलो अभी देखते हैं, 3 चाहिए अपने को, 5 तो बेकार है, सपोर्ट नहीं करता ना कि भाई। नहीं किडनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब पीसी नहीं बन रहा है ना। तो गाइस अपना सिस्टम अभी रेडी हो रहा है और हम लोग यहाँ पे थोड़ा खाने आ गए थे, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह से खा के घर से तो खा के आए थे, बट काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हुए भी। तो अभी गाइस देखो यहाँ पे हमने मंगाया है कचौड़ी और समोसे, यार समोसे दो ही है भाई, 3 बोले थे मैंने भाई, एक समोसा और है। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 9:35 और अपना ये वाला पीसी भी रेडी हो गया है, और ये जो अपना पुराना वाला था ये भी थोड़ा ये ठीक हो गया है, अभी दोनों में जाके बस OBS सेटअप करना है, और हमारा बिल भी आ गया भाई, बहुत महंगा पड़ गया भाई, कम से कम कितना पड़ गया? 1,00,000 1,15,000 प्लस 6,000 इसके, 1,21,000 के, 21,000 समथिंग। तो गाइस बहुत महंगा बढ़ गया यार, आज तो पूरे जेब खाली हो गई, बट चलो कोई नहीं गाइस, हाँ इसमें डाल दो, एनवलप में डाल दो, ठीक है। तो गाइस चलो चलते हैं, अपना कैब हमने बुक कर दिया, कैब आ रही है थोड़ी देर में, और अब सीधा घर पे जाके सेटअप करते हैं सब कुछ, चलो। गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कैब का, ठीक है, 9:40 हो रही है भाई, घर पहुँचते पहुँचते 10:11 बज जाएंगे, ठीक है, अगर बीच में कहीं ट्रैफिक नहीं मिलता है तो 11 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। और बस मैं अभी भी ना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था इधर बैठ के, तो भाई तुषार की जो रील थी उस पर 10 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं भाई, OP, मतलब ऐसा मैं पहली वीडियो है, पहली रील है आज तक, कभी कोई रील अपनी, रील तो कभी नहीं गई, वीडियो भी अपनी कोई 1 मिलियन को बस दो तीन वीडियो हैं जो 1 मिलियन टच करी हैं, वरना अभी तक कोई वीडियो भी हमारी 1 मिलियन टच नहीं करी यूट्यूब पे भी, बट फाइनली इंस्टाग्राम पे तुषार की वो रील 10 मिलियन व्यूज आ गए, तो भाई सेलिब्रेशन बनता है, कल हम सेलिब्रेशन करेंगे इस चीज़ का कि भाई तुषार तो भाई फुल वायरल हो रहा है भाई। तो गाइस ये सिर्फ आप लोग की वजह से हुआ है, सो थैंक यू सो मच, इसी तरह आप लोग सपोर्ट रखना इंस्टाग्राम पे भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे भाई लोग फॉलो कर लेना, टैग वगैरह उधर ही करते रहना भाई, फुल एकदम भाई, मेरे को लग रहा है 20 मिलियन जाएगी ये, 20 मिलियन तक रुकने वाली नहीं है भाई ये। तो गाइस अभी कैब आ रही है और फिर हम चल रहे हैं घर पे, भूख भी लग रही है बहुत तेज, तो यहाँ पे मैकडी भी है, सोच रहे हैं मैकडी में खा ले, फिर सिस्टम वगैरह कहाँ रखेंगे इसलिए जा नहीं रहे, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं सीधा घर चल रहे हैं, क्योंकि कैब वाला भी फोन कर दिया, किसी को फोन आ चुका है कैब का। तो गाइस अभी सेटअप चेक करूंगा भाई घर जाके, कौन सा बढ़िया सेटअप है, तुषार तो पागल ही हो जाएगा। गाइस अभी 10:46 हो गए और अभी भी घर आ गए, और ये लौंडा इसको मैं जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अभी सेटअप लगाते हैं, ये वही लड़का है, मैं नहीं, ये जिसके 10 मिलियन व्यूज आए हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स पे, उसको ये नहीं जानते वहाँ, नहीं नहीं वो तो कोई मंकी था, देखा था तुमने, देखा 1 करोड़ व्यू आए हैं उस पे भाई, हम मान रहे हैं 10 मिलियन आए हैं, वो तो कोई बंदर था। ये अगर ये बंदर है तो भाई हो सकता है फिर ये हो, अगर ठीक है मैं मानता हूँ 1 करोड़ व्यूज के लिए तो मैं बंदर मान सकता हूँ, मैं बंदर हूँ तो भाई चलो, तो ये वो बंदर है गाइस जिसके 1 करोड़ व्यू आ गए, माइनक्राफ्ट में इसको डायमंड मिल जाता, किस्मत भाई, कल तो मैं तुम्हारी बोलता हूँ, कल मुझसे वो वीडियो तुमने अपने पेज पर डाला, कल मुझसे कह रहा वो वीडियो हटा दो वरना कॉपीराइट दे दूंगा। तो गाइस अभी ये से एक सेटअप हो गया और एक दूसरा वाला सेटअप उसमें से निकालते हैं, निकालो भाई, अभी अपने पास 1, 2 और 3 बूट कैंप पे 3 सेटअप हो चुके हैं अपने, जो भाई फुल मजा आने वाला, आज गोप्रो में भी हमने व्लॉगिंग करी है, और गोप्रो की व्लॉगिंग एकदम सेटअप है, वो दो लेट्स के अपने गोप्रो, हाँ दो और सेटअप है अपने पास, जो एक हर्षित का है, एडी का है, वो उन दोनों का खुद का है, तो भाई मस्त अभी बूट कैंप होने वाला है, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई 10 मिलियन वाले की शक्ल देखो, मेरी क्या शक्ल देखोगे। सो गए अभी ना 12:45 हो गए भाई, सिस्टम सेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, हालांकि मैंने सेट कर दिया, पूरा सही चल रहा है, और अपना नया वाला पीसी अभी यहाँ पर रखा हुआ है, इसे अंदर वाले कमरे में सेट करेंगे, घर पे सब सो गए हैं, मेरे को खाना भी खाना है, भूख लग रही है, और ये दोनों भी देखो सोने के लिए तैयार है,
और कल तुषार के 10 मिलियन सेलिब्रेट करने भाई। तुषार की पहली रील पे भाई लड़का वायरल हो गया है भाई। पार्टी होनी चाहिए, दावत होनी चाहिए इसकी, तो वायरल हो गया भाई बंदर। चलो कोई बात नहीं, हम मानते हैं बंदर के रूप में वायरल हुआ है, कम से कम वायरल तो हुआ ठीक है। और अभी भी व्यूज आए जा रहे हैं, 11 मिलियन हो चुके हैं, 11 मिलियन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है भाई 20 मिलियन होंगे। आप लोग भी देख लेना इंस्टाग्राम पर और फॉलो कर लेना भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आई होप आप लोग को आज के व्लॉग में बहुत सारा मजा आया होगा, तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पुनम की उजियारी उजियारी जान मेरे।